हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस टर्म को लेकर के आए हैं, आज की ये टर्मिनोलॉजी है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो अपलोड किए हुए अपने चैनल पे, तो आज इसका बस डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोकॉइड्स जो है वे बेसिकली डिवाइड किया गया है दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में, ऑटोज एंड अकोज। इसका मतलब होता है कि सेल्फ हीलिंग या सेल्फ थेरेपी वाले एजेंट। ये बेसिकली लोकल हार्मोन कहे गए हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई आपके बॉडी में इंसर्ट की बाइटिंग होगी या कुछ इस तरह से फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल इंजरी होगी, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, अपने आप के सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद ये पर्टिकुलर जगह पे रिलीज होंगे। इसमें भले ही ये वर्ड लगा हुआ है हार्मोन, बट ये कोई हार्मोन के जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये शो नहीं करते। ये किसी स्पेसिफिक ग्लैंड से सेक्रेट नहीं होते, ना ही ये डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स पे काम करते हैं, ना ही ये सेक्रेट होते हैं। इनके अपोजिट ये पर्टिकुलर किसी एक सेल्स में सिक्रीट होंगे, वहीं पे काम करेंगे और वहीं पे डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे अपना एक्शन देने के बाद। इनके जो मेन क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे अमीन ऑटोकॉइड्स वगैरह हैं, आपके लिपिड डेराइव ऑटोकॉइड्स वगैरह हैं, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स वगैरह हैं, जो एक पर्टिकुलर सिंथेसिस के कारण से हिस्टामिन, सीरोटोनिन, 5-HT इस तरह के जो सब्सटेंस है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके एग्जांपल हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक लाइन में अगर यूं कहा जाए व्हाट आर ऑटोकॉइड्स, इसका मतलब है दीज आर द लोकल हॉर्मोन्स जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सिंथेसिस, रिलीज और उसके बाद इनका जो मेथाइलेशन होने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।